बिखरे लोकतंत्र और मैं हूँ आपके साथ नेहा दुबे। हम आज बात करेंगे बापू की विरासत की, बात करेंगे गांधी किसके हैं, महात्मा गांधी को अब तक किसने जिंदा रखा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाई, एक नए भारत के सपने को साकार किया। महात्मा गांधी ने सियासी दलों को जीने के लिए सियासी जमीन दी। गांधी ऐसे ब्रांड है जिसे वोट के बाजार में खूब भुनाया जाता है। कांग्रेस ने सालों से गांधी को भुनाया, अब बीजेपी इस ब्रांड को वोट के बाजार में भुना रही है। कांग्रेस कहती है कि वो गांधी उनके हैं, तो बीजेपी कहती है कि बापू उनके हैं। कोई बापू के नाम पर संदेश यात्रा निकाल रहा है तो कोई गांधी के नाम पर संकल्प यात्रा। आखिर कब तक गांधी ब्रांड को भुनाकर सियासी इमारत खड़ी की जाती रहेगी, कब तक गांधी का सियासी बंटवारा होता रहेगा, क्या गांधी सियासत के गलियारों में आखिर कब तक जिंदा रहेंगे, जब तक उनके नाम पर वोट बरसते रहेंगे, इस पर बहस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। गुलामी की जंजीरों में जकड़ी जिस महामानव ने भारत माँ को अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी, जो सत्य अहिंसा की राह पर चलकर देश को आजाद कराया था, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की चूले हिला दी थी, जिन्होंने अहिंसा की राह पर चलकर अंग्रेजों को भारत से भागने को मजबूर किया था, जिन्होंने एक नया भारत बनाकर भारत की धरती पर से अंग्रेजों को औकात दिखाई थी, वो गांधी कोई साधारण व्यक्ति नहीं होंगे। अंग्रेजों का छक्का छुड़ाने वाले कोई कमजोर व्यक्ति नहीं होगा। बंदे में कुछ दम था, तभी हम आज आजाद भारत में आजादी की सांसें ले रहे हैं। गांधी ने जनता को एक नया भारत दिया। गांधी ने सियासतदानों को अपना नाम देकर सियासी जमीन दी, लेकिन उन्होंने खुद के लिए कुछ नहीं किया। जो भी किया वो अपनी धरती के लिए किया। अब भी गांधी के नाम पर सियासत की दुकान चल रही है। वोट के लिए अब भी गांधी ब्रांड को भुनाया जाता है। अब भी गांधी एक ब्रांड है और सियासी पार्टियां वोट के लिए हमेशा इस ब्रांड को कैश करते रहते हैं। पहले कांग्रेस गांधी के नाम पर सियासी इमारत खड़ी करती रही, अब बीजेपी भी गांधी के नाम पर सियासत को आगे बढ़ा रही है। बीजेपी गांधी के नाम पर स्वच्छ भारत का सपना साकार करने का दंभ भर रही है। पीएम मोदी महात्मा गांधी के स्वच्छ और स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने में लगे हैं। कांग्रेस और बीजेपी में गांधी को लेकर होड़ लगी है, क्योंकि गांधी ब्रांड सबको चाहिए। देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 150वीं जयंती मना रहा है और सियासी पार्टियां जयंती के नाम पर सियासत जिंदाबाद करने में लगी हुई हैं। बीजेपी संकल्प यात्रा निकाल रही है तो कांग्रेस संदेश यात्रा के तहत उजड़े चमन को बसाने में लगी है। देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज से लेकर 31 अक्टूबर तक 15 दिन पद यात्रा कर गांधी 150 की याद में 150 किलोमीटर पैदल चलकर गांधी के मूल्य को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। मौका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का था, लेकिन सियासी पार्टियों के तरकश में सियासी तीर की कमी नहीं थी। बीजेपी कांग्रेस को कोस रही थी तो कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर थी। संकल्प यात्रा और संदेश यात्रा के नाम पर सियासी तीरंदाजी जारी है। सोनिया गांधी ने संघ और बीजेपी पर हमला बोला। सोनिया गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी के रास्ते से हटकर अपनी दिशा में ले जाने वाले पहले भी कम नहीं थे। पिछले कुछ वर्षों में साम दाम दंड भेद का खुला कारोबार करके वे अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं। सोनिया ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि आजकल कुछ लोगों ने गांधी के विचारों को उल्टा करने की कोशिश की है। कुछ लोग चाहते हैं कि गांधी नहीं आरएसएस देश का प्रतीक बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। वे चाहते हैं कि गांधी जी नहीं बल्कि आरएसएस भारत का प्रतीक बन जाए। मैं ऐसे कहने वालों को साफ शब्दों में बताना चाहती हूँ
कि हमारे देश की मिली जुली संस्कृति, मिली जुली सभ्यता और मिले जुले समाज में गांधी जी की सर्वसमावेशी व्यवस्था के अलावा कभी कुछ सोच नहीं सकती। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया गया। गांधी के नाम पर यूपी सरकार ने 36 घंटे तक लगातार सत्र चलाकर इतिहास बनाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष इस सत्र से अपने आप को अलग रखते हुए सरकार के फैसले का विरोध किया। विपक्ष के इस रुख पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आश्चर्य जताते हुए कहा कि पहले सबने अपनी सहमति दी, लेकिन अब जब सरकार आगे आई है तो विपक्ष नहीं है। ये गरीबों, सदन और बापू का अपमान है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष की तुलना दुर्योधन से की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गांधी जी के नाम पर सत्ता चलाई, उन्होंने गांधी जयंती के अवसर पर सदन का बहिष्कार किया। गांधी जी के नाम पर सत्ता में काबिज करने वाले बहुत लोग रहे होंगे, गांधी जी के नाम को बनाया होगा, लेकिन गांधी जी की आत्मा को और गांधी जी के दर्शन को जितनी क्षति इन लोगों ने पहुंचाई होगी, मुझे लगता है कि इनके कृत्यों से सबसे अधिक आहत कोई भाव होगा तो गांधी जी के। जिन्होंने गांधी जी के नाम पे देश के अंदर शासन किया, उन्होंने कितना गांधी जी को आहत किया होगा। विश्व को शांति का पाठ पढ़ाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राजनीति गलियारों में हमेशा जिंदा रहेंगे। जब जब सियासी पार्टियां कमजोर होगी या बहुत बनने की जरूरत होगी, तब तब गांधी सियासी दलों के लिए ब्रांड बनते रहेंगे। गांधी के नाम पर सालों से सियासत होती रही है और होती भी रहेगी, लेकिन गांधी जी ने जिस भारत को बनाया, जिसे आजाद कराया, जिस भारत का सपना देखा, वो भारत अब भी नहीं बन पाया है। उनके विचारों पर अब भी सियासी पार्टियां नहीं चल रही हैं। न जाने गांधी कब तक सियासत के बाजार में बिकते रहेंगे, कब सियासी पार्टियां गांधी के ब्रांड को भुनाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से गांधी के नाम का इस्तेमाल किया जाता है, गांधी का बीज इस्तेमाल किया जाता है राजनीतिक हित साधने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए। बापू की विरासत की आज हम बात कर रहे हैं और साथ ही बात कर रहे हैं कि किस तरह से गांधी के नाम पर वोट लिए जाते हैं। महात्मा गांधी को अब तक किसने जिंदा रखा है, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, देश को अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ादी दिलाई, एक नए भारत के सपने को साकार किया। महात्मा गांधी ने सियासी दलों को जीने के लिए सियासी जमीन भी दी, लेकिन यही सियासी दाने जो हैं वो अब गांधी के नाम का इस्तेमाल करते हैं, महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये कितना सही है, इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। उनका उनसे तारुफ करा देते हैं आपका। फजील अहमद जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। फजील जी बहुत स्वागत है आपका। देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ है, बीजेपी के नेता है। देवेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। बिपिन शर्मा जी हमारे साथ है जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। बिपिन जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा देवेंद्र जी आपसे है, क्योंकि जिस तरह से गांधी के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, आज राजघाट पर देखा कि सुबह से ही नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। राष्ट्रपति पहुंचे, उपराष्ट्रपति पहुंचे, उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे, सोनिया गांधी वहां पर पहुंची, पूर्व प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वहां पर पहुंचे और तमाम और भी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या महज ये औपचारिकताएं नहीं है, गांधी के विचारों को जिस तरह से मानना चाहिए, जिनके उस जिस तरह से उनके विचारों पर चलने की बात सामने आती है, क्या उसका पालन किया जाता है? नेहा जी, मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो लोग गांधी जी पर सवाल उठा रहे हैं, जिन्होंने विचारों की बात की है, अगर वो अपने गरबा में एक बार झांक लें और वो विचार अपने अंदर अगर वो 25% भी आज तक अपना लेते इस 64 साल में से, तो शायद उनको जो ये कहने की आज जरूरत नहीं पड़ती। और रही बात माननीय प्रधानमंत्री जी की या बीजेपी के जितने वहां लीडर जा रहे हैं, हमारी तो नीति हमेशा से रही है कि हम लोगों ने तो जो है लोकतांत्रिक तरीके से भी और देश की एकता और अखंडता को हमेशा माना, जो नीति माननीय गांधी जी आज स्वर्गीय गांधी जी की थी। जो गांधी जी थे वो वास्तव में राष्ट्र के लिए समर्पित थे, उनका जीवन पूरा राष्ट्र के लिए समर्पित था।
और उनकी उस मेहनत के लिए और उसके समर्पण के लिए जो उन्होंने सब कुछ दिया, आज राष्ट्र की जिम्मेदारी बनती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का पहला ये बनता है कि वो सबसे पहले उस महान आत्मा को नमन करें और वो अपना कर्तव्य करते हैं हमेशा, उस पर कभी राजनीति नहीं करते। लेकिन मैं उनसे क्वेश्चन करता हूं जो सवाल उठा रहे हैं बार बार कि उन्होंने गांधी जी से आखिर अपनाया क्या है, उन्होंने लिया क्या है 70 साल में। वो गांधी जी जिन्होंने अपनी शिक्षा से लेकर अपना सब कुछ निछावर कर दिया देश पर, तुम लोगों ने सिर्फ 70 साल में अपने आप को इतने आगे पहुंचा दिया कि आप लाखों करोड़ के मालिक बने। उनकी नीतियां सुन, उनसे ये सीख लिए इस कांग्रेस ने कि उन्होंने आज जो आज उनके गृहमंत्री जेल काट रहे हैं या उनके नेताओं के साथ जो हरियाणा में हो रहा, आप देखिए क्या हो रहा है, किस तरीके से इनके यार से लेकर रिश्तेदार जितने भी हैं सब जांच के दायरे में, क्या गांधी जी देकर गए थे इनको? आज ये चिल्ला रहे हैं कि ये विरासत छीन रहे हैं, उनकी नीति बदल रहे हैं। अगर नीति की बात सुनना चाहते हैं तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि गांधी जी की अगर नीति पर कोई चलने का काम कर रहा है तो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भारत की सरकार कर रही है, और ये हमारा दायित्व बनता है और उसको हम निभा रहे हैं। ये सवाल उठाने से पहले अपने गिरबा में एक बार झांक लें, हम इनसे निवेदन करते हैं इस बात का। ठीक है, तमाम बातें कही जाती है फजील जी, और ये कहा जाता है कि गांधी जी के आदर्शों पर चलेंगे, उनके विचारों पर चलेंगे, लेकिन आज जब गांधी जयंती है, इस मौके पर जब राजघाट का लोग रुक कर रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद, उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद नमन किया जा रहा है, उसके बाद भी सियासी पार्टियां सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रही है। सोनिया गांधी ने ये कहा है कि आरएसएस को देश का प्रतीक वो बनाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसा करना चाहते हैं, ये किस तरह की बयानबाजी है? क्या ऐसा नहीं लगता कि राजनीति का जो स्तर है वो बहुत गिरता जा रहा है? देखिए नया जी, हमारे देश का, महात्मा गांधी के देश का, और उन्होंने जो कुछ हमें दिया उसी की ये खूबसूरती है कि आज यहाँ हर एक को अपनी आजादी है अपनी बात कहने की, राजनीति करने की। अब ज्ञान उनसे, हम लोग गांधीवादी लोग उनसे ज्ञान लें जो गांधी के हत्यारे, जिन्होंने गांधी की हत्या की करवाई, वो लोग आज ज्ञान दे रहे हैं। ये तो गांधी की कितनी महानता है कि 70 साल के बाद भी उनका विचार नहीं मर रहा है। लोग मारने की कोशिश की, गांधी जी को मारने के बाद भी वही लोग आज गांधी जी के विचार पर वापस यू टर्न आ रहे, यानी डाइवर्सिटी का जमाना आ गया है। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। उस महान आत्मा के अंदर पता नहीं क्या बात थी, उनके विचारों के अंदर, कि जो लोग आज उनके कहते हैं कि आज तेरी चर्चा गैर की महफिल में है, आज महात्मा गांधी सचमुच आज उनकी महत्व को समझ में आ रहा है, जब उनके हत्यारे भी आज उनके उनको नमन कर रहे, उनकी बात कर रहे, यही है गांधी विचार। गांधी विचार ऐसा है जो दुनिया में नहीं मर रहा है, दुनिया के लोग गांधी को जानना चाहते हैं, दुनिया भर के लोग गांधी को समझना चाहते हैं। आपने कहा कि हत्यारे भी उनके बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने हत्या इसी देश में हुई, हमारे अपने देश के लोगों ने उनकी हत्या की। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप नहीं, जो हत्यारे हैं वही आज गांधी की, उनकी वो मजबूरी बन गई है गांधी का नाम लेना। जो लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की, खुलेआम दुनिया जानती है कि किसने की कैसे हुआ, आज ये सबसे बड़ी गांधीवाद की बात है। गांधी का यही विचार आज है कि उसकी विचारों में सच्चाई है कि आज वापस उन्हीं लोगों वही लोग उनको महिमा मंडित कर रहे, आज उनको अपने विचार में गांधी को लाना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी गिरती साख अब गांधी के अलावा कोई बचा नहीं सकता है, इसलिए अपनी राजनीति के लिए वो गांधी का भी इस्तेमाल कर रहे। ये तो बहुत खुशी की बात है, इसी का हमें गर्व है, इसी को भारत को गर्व है, और पूरी दुनिया आज भारत को सलाम अगर करती है तो गांधीवाद की वजह से करती है, गांधी विचारधारा से करती है। गांधी जी क्या कहते थे कि एक गाल कोई मारता है तो दूसरे गाल को बढ़ा दो कि तुम इसको मार लो, यही है गांधी विचार, यही है गांधीवाद, सत्य अहिंसा प्यार मोहब्बत। जब भारत में नफरत का बाजार गर्म कर दिया गया, आजादी की एक खुशहाली को जब हम मिल बांट के करने की जरूरत थी, तो इस देश में नफरत की बाजार फैला के हिंदुस्तान के टुकड़े कर दिए गए। उस समय भी ये लोग चाहते थे कि महात्मा गांधी ने रोका सभी लोगों को, नहीं जिस तरह से हम लोग, भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य होगा और हम धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में दुनिया भर में ऐसे ही चलेंगे जैसे हमारी संस्कृति रही है, यही गांधीवाद है। आज उसी गांधी के मानने वाले लोग एनआरसी चला रहे, कह रहे क्या है गांधी, केवल बातों से होता है गांधी, एनआरसी चला के एक वर्ग समुदाय को डराने की कोशिश कर रहे, देश से निकालने की कोशिश कर रहे, कहां ले जाएंगे गांधी के केवल नतमस्तक होने से, उसके विचार को जानने से नहीं होता है, गांधी को अपनाने से होता है, ये निश्चित रूप से आज भी आवाम ने गांधी को अपना रखा है। विपिन जी, एक तरफ देखा जाए संकल्प यात्रा निकाली जा रही है 2 अक्टूबर के दिन, एक तरफ देखा जाए तो 36 घंटे जो सत्र है उसे चलाने की बात की जा रही है, अगली तरफ देखा जाए तो पदयात्रा निकाली जा रही है, उसके बाद बयानों का जिस तरह से आदान प्रदान हो रहा है या फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, इसे किस तरह से देखा जाए? क्या वाकई अब राजनेता ये भूल गए हैं कि
कम से कम एक खास मौके पर तो छोड़ देना चाहिए, उसके बाद राजनीति करने के लिए 365 दिन होते हैं, उसमें से अगर एक दिन छोड़ भी देंगे और गांधी जयंती का मौका, वो खास जो मौका है, उस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे, तो क्या माना जाए, आखिर राजनीति का स्तर कहाँ है? देखिए, मैं पहले तो आपसे गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से मैंने दखल अंदाजी नहीं करी, बाकी वक्ता जब बोल रहे थे तो मैं वही विनम्र करूंगा कि वो भी बीच में ना बोले, उसके बाद जो मेरा विरोध करना है, मेरे साथ सहमति रखनी है, वो बात की बात है। देखिए, आपने बात करी कि कम से कम एक दिन, 365 दिन में एक दिन छोड़ दिया जाए, तीन जो नेशनल हॉलीडेज बोलते हैं हम, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, तो देखिए कितनी अहमियत रखते हैं हमारे देश के लिए और देशवासियों के लिए। और आप बात करते हैं, मैं सब पे बात करूंगा ताकि एक पूरी जो चर्चा हो तो उसमें हम सारे विषयों पे बात कर सकें। देखिए, सोनिया गांधी जिस तरह से बात कर रही हैं आरएसएस की, तो जिस तरह से उन्होंने बोला आरएसएस कुछ लोग ऐसे करना, ऐसा एक भ्रम फैलाया जा रहा है या ऐसे दर्शाना चाह रहे हैं कि आरएसएस ही हिंदुस्तान है, तो क्या गांधी परिवार जो है वो हिंदुस्तान है क्या? आज तक क्या था, क्या गांधी जी, ये गांधी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम नहीं छेड़ी? या गांधी जी को खुशी होती कि आजादी के बाद सत्ता किसके पास थी इतने साल? देखिए, राजनीति का तो विषय ही नहीं है, सत्ता किसके पास थी? $1 1 रुपए हुआ करता था, भट्टा बैठ गया इकोनॉमी का, जबकि कहने को कितने प्रकांड पंडित हैं, कितने बड़े बड़े अर्थशास्त्री इस देश ने दिए, क्या हुआ? कोई इकोनॉमी को क्या कर पाए? आप बातें बड़ी बड़ी करते थे कि आप डबल डिजिट इकोनॉमी बना देंगे, जीडीपी को आंकड़े आप डबल डिजिट तक पहुंचा देंगे, क्या हो गया? और ये सिर्फ इस तरह से भ्रम, और यही सोनिया गांधी ने जब मौत के सौदागर की बात करी थी या जहर की राजनीति की बात करी थी, तो पहले देखिए, सब राजनीति, जितनी भी राजनीति करते हैं, जितने राजनेता हैं, उनको पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि आप पहले खुद क्या हैं, कि आप, आपकी राजनीति क्या है, सबकी बात है, मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूं एक साथ। और गांधी विचारधारा जो है, देखिए गांधी तो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा हमेशा अमर रहेगी। जिस तरह से कहा जाता है, जब तक सूरज चांद रहेगा महात्मा गांधी आपका नाम रहेगा, तो उसी तरह से जब आप गांधी के विचारधारा की बात करते हैं, देखिए उन्होंने तो अहिंसा को बढ़ावा दिया, वो तो हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे। जिस तरह से अभी फजील भाई ने बात बोली कि एक गाल वो बोले कि एक गाल पे किसी ने आपको तमाचा मारा तो आप वो दूसरा गाल की बात करते थे, देखिए तो शांति के दूत थे वो, शांति के प्रतीक थे। और देश में इतने सालों से क्या हुआ, अगर एक तरह से सोनिया गांधी इस तरह की बात करिए तो 84 के दंगे आप भूल गए। देखिए, मैं उसमें बोलना चाहूंगा निजी एक बात कि मेरे पिताजी, जब मैं उस समय बाल अवस्था में था, स्कूल जाता था, तो मेरे पिताजी ने साथ में हमारे सिख भाई थे, और खुद एक तरह से जान जोखिम में डालकर उन्होंने हाथ जोड़कर, जब ये दंगे फसाद हो रहे थे तो वो आगे गए, और सारे हम लोग एक बच्चे थे उस समय, तो हम लोग खुद भयभीत हो गए कि क्या कर रहे हैं। तो पिताजी ने बोला देखिए, आज जो आज उन पे गुजर रही है, कल हमारे पे भी गुजर सकती है। अमन असली माने में वो है, फौजी थे मेरे फादर। तो उसी तरह से आप देख सकते हैं कि सद्भावना, भाईचारा, शांति, अहिंसा, ये आदर्श थे महात्मा गांधी के, ना कि ये भ्रष्टाचार। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, 36 घंटे का, 36 घंटे का उसका क्या उद्देश्य क्या था, पहले वो बात मैं बोल। देखिए, पहले सहमति दे दी विपक्षी नेताओं ने, विपक्षी पार्टियों ने दे दी सहमति कि हम आएंगे, फिर बहिष्कार कर दिया आपने, आप उसको वॉकआउट बोले, बहिष्कार बोले, जिस तरह से भी देखिए, और वो क्या उसमें चर्चा होनी थी, तो यही तो कहा ना मुख्यमंत्री योगी ने, उन्होंने बोला कि भाई कुछ ऐसे मुद्दे, विकास के मुद्दे, और महात्मा गांधी जब उनकी बात करते हैं तो ये सारी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है, आप इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेके, सियासी रोटियां ना सेके तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये देश हित का मामला है। और पहले महात्मा गांधी तो कभी वंश, हमेशा वंशवाद के खिलाफ थे, क्या उनके खानदान, तो ये एक एक तरह से गांधी, गांधी देखिए, अगर हम गांधी का जिक्र करेंगे तो गांधी, ये गांधी परिवार की बात नहीं करते, महात्मा गांधी देखिए वो महान शख्सियत जिनकी प्रेरणा, जब भी हम बाहर देश विदेश घूमते हैं, बाहर जाते हैं विदेश में, और आप महात्मा गांधी का जिक्र होता है तो लोग बड़े खुशी महसूस करते हैं। तो असली माने में जो प्रतीक थे, जिन्होंने आजादी दिलाई, चाहे क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करी, ऐसे ऐसे उन्होंने काम करे, डांडी मार्च करी, जब वो अंग्रेज आके अपना वो उसमें कर लगाते थे नमक पर, तो उसी तरह से इन्होंने अपने हमेशा, और शांति करके, शांति के दूत बनकर उन्होंने लोगों को संदेश दिया। एक बड़ी बात थी, और यही वजह है कि लोग उनकी राह पर चलने की बात करते हैं राजनीतिक पार्टियां। लेकिन विशेष सत्र, बस एक बात मैं बोलना चाहूंगा, उनके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे यूनाइटेड नेशंस के, 17 जो गोल्स हैं, जिसमें आप एक तरफ बोलने से नहीं काम चलेगा, गरीबी हटाओ, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 17 यूनाइटेड नेशंस, उसकी चर्चा होनी थी, ताकि सच्चे मायने में अगर श्रद्धांजलि देनी है अपने महात्मा गांधी को, बापू को, जो फादर ऑफ नेशन है, तो वो होगा। और बापू किसी एक के नहीं है, बापू मतलब ही आप देखिए ना, बापू तो किसका होगा, अगर दो भाइयों में आपस में विवाद हो जाता है तो वो क्या कहेंगे कि पिताजी मेरे हैं सिर्फ,
तो पिताजी तो सभी के होंगे ना, माँ बाप तो सभी के होंगे। उसी तरह से अगर फादर ऑफ नेशन है, बापू है, उनको वो नाम दिया है तो वो सबके हैं, उसमें एक पार्टी के सीमित होके नहीं रह जाते वो। ठीक है फजील जी, ऐसा नहीं लगता कि ये सरासर गलत है कि अगर आपको पार्टी लाइन से हटकर बोलने का मौका मिल रहा है और आप अपनी बात को पुरजोर तरीके से सदन के अंदर उठा सकते हैं, विधानसभा में उठा सकते हैं, तो आपको ये मौका गंवाना नहीं चाहिए? क्या ये सही है कि सदन से वॉकआउट कर जाए? देखिए ये तो राजनीतिक बात है, 2 अक्टूबर को सदन बुला के क्या आप साबित करना चाहते हैं? यदि आप एक उत्सव मनाना चाहते हैं तो सदन देखिए हमेशा विचार राजनीति की जगह होती है। यदि आप उत्सव मनाना चाहते हैं तो सदन कैसा हो गया, इसमें कोई पार्टी जब 2 अक्टूबर हम सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, वो 2 अक्टूबर मना करके क्या घोषणा करना चाहते थे, किस तरह का माहौल बनाना चाहते, क्या बात करना चाहते हैं, जब तक उसके अंदर की चीजों में नहीं जाएंगे वो बहस तो हुई नहीं। और अच्छा है 2 अक्टूबर को बहस की जरूरत भी नहीं है, बापू के नाम पर कोई बहस की जरूरत नहीं है। अब जो लोग बहस कराना चाहते हैं निंदनीय है उनकी बात कि भाई 2 अक्टूबर को आप क्यों बहस कराना चाहते हो, 2 अक्टूबर को राजनीति क्यों करना चाहते हो? आप एक स्टेडियम में उत्सव मनाते, सारे राजनीतिक दल के लोग भी होते और आम पब्लिक भी होती, उत्सव मनाओ ना 2 अक्टूबर को, दुनिया भर में ये बताओ कि हम महात्मा गांधी के लोग हैं, हम सब हैं, कोई बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं, हम सब बापू के लोग हैं और आज दुनिया भर में बापू की चर्चा होती है, बापू की विचारधारा की चर्चा होती है। और आप सदन बुला करके क्या साबित करना चाहते हो? कोई बहस नहीं होनी थी, पहले बात तो आपको ये स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि आज मुख्यमंत्री भी ये कह चुके हैं कि सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलता है, एक एक करके अपनी बात रखते हैं और वो एक सिस्टमेटिक तरीके से होता, लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। लेकिन देवेंद्र जी, इसका क्या प्रमुख मकसद था और क्या उद्देश्य इसका है? देखिए नेहा जी, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये विपिन भाई ने बहुत अच्छे से बताया कि सरकार का जो मकसद है वो क्लियर हो गया कि उन्होंने जो घोषणाएं की हैं, चाहे वो मनरेगा से लेकर जिसने करके जो 70 साल की बात बार बार अपना अपना चिल्ला रहे हैं, और फजील भाई ने भी बड़ी गहरी बात की थी, कड़ी गहरी है, सवाल का उस पर क्वेश्चन उठता है कि जो उन्होंने एलिकेट किया है, किसी भी को सर नाम लेके किया जिस भी तरीके से, अगर विपक्ष बैठा है तो वहाँ वो सीधा सीधा कर रहे हैं, लेकिन वो गलत बात है, उसको बिल्कुल जो है इस तरीके का इस मौके पर नहीं उठाना चाहिए। और मैं फिर वहीं आ रहा हूँ, वो जिक्र पीछे भी आया कि आप क्या आखिर आपने 70 साल में गांधी जी को दिया क्या है? अगर आप उन्हें पिता मान रहे हैं, उन्हें अपना सब कुछ मान रहे हैं, या वो महात्मा थे, ये क्लियर, अगर महात्मा है तो वो फिर किसके थे? वो महात्मा थे तो विश्व में आज पूछ रहे हैं महात्मा की वजह से, बापू की वजह से नहीं, वो कांग्रेस के बापू नहीं थे, वो कांग्रेस के बापू नहीं थे, उन्हें गलत उन्होंने ये जो मैसेज दे कि वो हमारे बापू थे, अगर एक भी नीति कांग्रेस ने या जबकि वो सरकारें हैं उन्होंने उनके नाम पे की हो या कोई ऐसी, आज देखिए मेडिकल्स की बात करिए आप, आज आज यूपी में क्या होने वाला था, क्या सत्र में क्या क्या चीजें उठाई है माननीय मुख्यमंत्री जी का, आप पूरा स्पीच देखिए, 15 मेडिकल्स जो है उनमें आज से कार्य प्रारंभ करने का काम था, कितनी योजनाएं उनके नाम पे शुरू करने का काम था, विपक्ष को पता था कि अगर वॉकआउट नहीं किया तो आज जीरो हो जाएंगे हम, आज जिस गांधी जी के पीछे हम 70 साल से राजनीति करते आ रहे हैं वो राजनीति आज दफन हो जाएगी। और यूपी जो है इस देश का सबसे बड़ा सदन है और दुनिया का सबसे बड़ा सदन है, और उस सदन में महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपलब्धि जो है आज वो होनी थी, और वो विपक्ष को पची नहीं और बगैर सुने उन्होंने वॉकआउट किया, जिसका परिणाम है कि वो गांधी के कितने हितेशी थे। ठीक है विपिन जी, एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि 11 सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, 21 अक्टूबर को उपचुनाव है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां ये मौका हाथ से नहीं गंवाने देना चाहती थी, यही वजह है कि ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को भी अब गांधी याद आने लगे, प्रियंका गांधी को भी बापू याद आने लगे, सोनिया गांधी भी अब बापू के राह पर चलने की बात और सरकार पर निशाना साधती हुई दिखाई दी, और इसके अलावा बीएसपी को भी याद आने लगे और बीजेपी को भी याद आने लगे, तो यही राजनीतिक है और यही राजनीति है और यही वजह है कि जो 2 अक्टूबर है इसको कोई भी हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। निश्चित बात है, देखिए आपने जो सवाल पूछा है बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा है, तो उसका उत्तर मैं ऐसे दूंगा कि 365 दिन बच्चे अपने इम्तिहान के लिए अगर तैयारी ना करें और आखिरी इम्तिहान के समय बोलें और जाके अपने इष्ट के पास चले जाएं कि हमें पास करा दीजिए, तो वही वाला हाल है कि आप बापू को याद कर रहे हैं तो जो आपका देखिए जो आपका ग्राउंड जीरो पे काम आपने करे हैं अंत में जीत आपको वहां से मिलेगी। तो ये आप चाहे बापू को याद करें बहुत अच्छी बात है, बापू के आदर्शों को तो हमेशा आप अपनी जिंदगी में उनको जिए, 365 दिन जिए, ये नहीं कि सिर्फ गांधी जयंती के दिन आप उनको याद करें उनको श्रद्धांजलि दें, असली मायने में अगर श्रद्धांजलि आपने
महात्मा गांधी को देनी है तो उनके आदर्शों पर चल के देनी पड़ेगी, उनके पदचिन्हों पर चल के देनी पड़ेगी। और आप जिन जिन चीजों के लिए वो लड़े या उन्होंने अपनी अपना जीवन खपा दिया और बलिदान दे दिया, तो वो तभी होगी कि जब आप उनके आदर्शों पे चलेंगे। लेकिन देखिए कितनी दुख की बात है कि राजनीति जब करती हैं पार्टियां, और खासकर जब चुनाव का समय आता है, तो वो बहुत ही वो सब चीजें भूलकर वो जो है एक तरह से उनका स्तर इतना नीचे गिर जाता है कि वो एक जनता का जो विकास है या जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे भटका के उनको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए मुख्यमंत्री योगी ने जब बात करी और एक तरह से उन्होंने गुहार लगाई और उन्होंने बोला कि आप सब इसमें शामिल हो, और पहले तो देखिए रजामंदी थी उनकी, जिस तरह से सहमति दी उन्होंने, विपक्षी नेताओं ने बोला कि हम इसमें शामिल होंगे, इस विशेष सत्र में हमारी मौजूदगी होगी। और जबकि देखा जाए तो कितनी बड़ी अहमियत थी इसकी, जब आप सबसे ज्यादा सीटें कहां से आती हैं, उत्तर प्रदेश से आती हैं, उसी तरह से अगर ये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो देश हित की बात है या आपके राज्य हित की बात है, उसमें राजनीति को दूर रखना चाहिए, और उसमें चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ताधारी के नेता हो, उनको एक होना पड़ेगा, तभी आप देश को आगे ले जा सकेंगे। जो प्रधानमंत्री ने एक सपना देखा है और अपनी और 130 करोड़ देशवासियों के साथ उन्होंने उसको एक तरह से उनके साथ उनको साझा करा है, तो वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक सबकी भागीदारी नहीं होगी। देखिए आप एक तरफ तो विपक्षी नेता बोलते हैं कि भागीदारी चाहिए, एक आम आदमी की चाहिए, तो भागीदारी अगर वो खुद नहीं देंगे कुछ ऐसे मुद्दों पर, तो आप कैसे सपने वो पूरे करेंगे जो आपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जब चुनाव के समय आप गए थे और आपने वोटर्स को बोला था, अपनी जनता को बोला था कि आप देखिए हम ये काम करेंगे, तो वो तो देखिए आपको कुछ मुद्दों पे आपको एक होना पड़ेगा। और खासकर सबसे अच्छा होता, देखिए कितना अच्छा संदेश होता आप जनता को देते और जनता आपको उसमें देखिए कितने अच्छे तरीके से उसको आपका मैसेज होता, जनता स्वीकार करती कि आप देखिए अपने सारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस भूलकर आप कम से कम गांधी जयंती के दिन एक साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर देश हित की बात कर रहे हैं, राज्य हित की बात कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा अच्छा होता। आपने बाईपोल्स की बात करी, उपचुनावों की बात करी, और आपने बात करी अभी कुछ राज्यों के चुनाव है जिस तरह से झारखंड में है, महाराष्ट्र में, हरियाणा में है, तो उसी तरह से अगर उत्तर प्रदेश के कुछ बाईपोल्स हैं तो उसमें अच्छा बहुत संदेश जाता कि अगर सब लोग एक मिलकर जाते। देखिए राजघाट में तो हमने देखा तांता लगा हुआ है, सुबह से लगा हुआ है, लोग जा रहे हैं अपनी और एक तरह से अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन राजनीति कम से कम आज के दिन नहीं होनी चाहिए। अगर सच्चे मायने में आप महात्मा गांधी के उन आदर्शों पर चलने की बात करते हैं तो बिल्कुल। लेकिन सवाल कही है और जवाब भी हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की, और महात्मा गांधी के ऊपर जिस तरह से सियासी रोटियां सेकी जा रही है उसकी हम लगातार बात कर रही हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे फजील जी, जिस तरह से प्रियंका गांधी के जरिए एक पदयात्रा निकाली गई है, अब बताया ये जा रहा है कि शाहजहांपुर की जो बलात्कार पीड़िता है उसको न्याय दिलाने के लिए यात्रा निकाली गई है। सर न्याय दिलाना तो कल भी दिला सकते थे, उसके लिए भी आप यात्रा निकाल सकते थे, आज का ही दिन क्यों चुना गया पहली बात। और क्या इसके जरिए कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस तराशने की कोशिश कर रही है क्या? देखिए न्याय जी, ये तो सबको अपना राजनीतिक अधिकार है, राजनीति में जो जमीन पा गया वो बचाना चाहता है, जो खो दिया है वो वापस लेना चाहता है। और गांधी के देश में एक मंत्री इस तरह की घटना करे और एक मुख्यमंत्री एकदम सीधे सीधे बचाए उसको, मतलब शर्म आती है ये सोच के कि इस देश में कानून है भी कि नहीं है। जो हम लोग एक चौपाई पढ़ते थे कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई, मतलब ऐसा हो गया है कि क्या यही धर्म है कि समर्थवान को कोई भी काम करने की इजाजत है? दुख होता है अगर प्रियंका गांधी ने किया तो सम्मानित है, उनका स्वागत होना चाहिए कि वो 2 अक्टूबर तो और अच्छा दिन इस काम के लिए कि गांधी के संविधान को बचाने के लिए यदि कोई कार्रवाई 2 अक्टूबर को होती है तो ये तो और भी अच्छा है। गांधी जी ने क्या कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और दूसरा क्या कहा था कि ग्राम स्वराज, जब तक गांव में आजादी नहीं मिलेगी जमींदारी से, भुखमरी से, बेरोजगारी से, ये गांव में जो आवाम हमारा देश जो है ना वो गांव में बसता है, कृषि प्रधान देश उन्होंने कहा, चरखा चलाया, सादगी जीवन जीने के लिए कहा, तमाम चीजों को कानून से उन्होंने कहा था कि कानून से देश चलाओ, ऊंच नीच भेदभाव यही तो खत्म करने के लिए उनका जिंदगी भर उनका आंदोलन जो चला यहां से लेकर अफ्रीका तक यही चला। और आज अगर प्रियंका गांधी एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सवाल तो ये भी है कि जो महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत ऐसा हो, क्या वैसा भारत बन पाया?
आज 72 साल हो गए हैं, देश में तमाम सरकारें रही, तमाम गई है, सबसे ज्यादा कांग्रेस ने ही शासन किया है, बावजूद इसके आज भी वो विकास नहीं हुआ देश में जो होना चाहिए था। देखिए, विकास हुआ तो जो कुछ भी हुआ वो कांग्रेस का ही लंबा समय रहा है, तो विकास जो कुछ भी हुआ आज बीजेपी के लोग ही विकास गिना रहे हैं, उसी कांग्रेस का ही विकास तो गिनवा रहे हैं कि हमने आईटी दिया, हमने मेडिकल दिया, हमने ये दिया, हमने स्कूल दिया, हमने अस्पताल दिया, हमने सड़कें दी, हमने ये किया। तो हम तो इस पे हम तो ये नहीं कह रहे कि भाई कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और खुद हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में अपनी सरकार में कहा, अपनी सरकार उन्होंने कहा, गांधी चाहते थे कि जो भारत हो, वो कल्पना करते थे कि भारत होगा स्वच्छ भारत होगा जहां बिल्कुल गंदगी नहीं होगी, स्वच्छ वातावरण मिलेगा। महात्मा गांधी कहते थे कि शिक्षा का स्तर ऊपर होगा, स्वस्थ भारत होगा, सबको स्वस्थ रखा जाएगा, इस तरह के भारत की परिकल्पना की जाती है। इसीलिए क्या आज हम उस विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं? देखिए, उसी ग्राम स्वराज का सपना जो महात्मा गांधी ने कहा कि हमारा गांव जब तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा, तो मनरेगा स्कीम के चलते गांव की गरीबी कुछ दूर हुई, कुछ गरीबों को काम मिल रहा था, अनाज मिल रहा था, खाने को सामान मिल रहा था, फूड मिल था। और ये सर राहुल गांधी को वो स्कीम नहीं पता, मनरेगा को नरेगा बता देते हैं, राहुल गांधी को बता देते हैं, नहीं पता है क्या बात कर मुझे पता है, मुझे ताल्लुक रखता हूँ गाँव से, मुझे पता है कि ग्राम स्वराज का जो सपना देखा था महात्मा गांधी ने कि गांव की अपनी अपनी ग्राम पंचायत हो, ग्राम पंचायत के माध्यम से गांव की सेवा हो, तो तमाम मनरेगा स्कीम और जो भी स्कीमें हम तो ये सरकार तो 2014 से लेकर 19 तक देख रहे हैं, सारा बजट खत्म कर दिया, गांव को तो खत्म ही कर दिए, ये तो अंडानी अंबानी को बस आगे बढ़ाने जा रहे हैं, ये जितने उद्योगपतियों को आप जितना महिमा मंडित कर रहे हैं, गांव की व्यवस्था को तो खत्म ही कर रही है, इनका तो ये मनसा है कि हम ग्राम पंचायत को ही समाप्त कर दें। देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगा कि सही मायने में फजील भाई सही कह रहे हैं कि विकास की बात कर रहे हैं, इन्होंने एक अधिकार की बात करी, पहले मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे, इन्होंने एक बात करी, अधिकार सबको है। देखिए, लोकतंत्र है, यही खूबसूरती है हमारे देश की। जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है 2014 के बाद, कितनी बड़ी बात बोली सोनिया गांधी ने कि देखिए आज महात्मा गांधी की आत्मा को कितना दुख हो रहा होगा, दुख तब नहीं हुआ। देखिए, आज ये दुख तब नहीं हुआ जब ये भ्रष्टाचार के मामले सामने उजागर हुए। प्रियंका गांधी, प्रियंका वाड्रा बात कर रही हैं, इतने मुद्दों की बात करती हैं, पदयात्रा की बात कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। रॉबर्ट वाड्रा के बारे में भी कुछ बोल दें, पी चिदम्बरम के बारे में भी कुछ बोल दें, और ये भी बोल दें डी शिवा कुमारा जो उनकी पार्टी के हैं, तो बड़ा अच्छा होगा। देखिए, चर्चा बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी, बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आपने बिल्कुल सारे मुद्दों पर बात कर ली, आपने एक तरफ ही बात नहीं करी। दूसरी बात, क्या कश्मीर भूल गए आप? कश्मीर भूल गए, जिसको घाटी का स्वर कहते थे और वो धरती का स्वर कहते थे, क्या हालत होगी थी? इतने सालों से धरती का नर्क बन गया था, कहां चले गए थे इनके विकास की बातें? इतने सालों से किसी ने इच्छा शक्ति दिखाई? सरकारें, हुकूमत किसकी थी, कौन बैठा था, शासन किसका था? तो अगर इतने सालों से सत्ता इनके हाथों में थी, तो इनकी इनकी सोच वहां क्यों नहीं गई कि आप अनुच्छेद 370 जो एक दिखावा है, छलावा है 300, जिस तरह से आप स्पेशल प्रोविजन की बात करते हैं, असली, अरे सुन लीजिए, मैं बोला नहीं, देखिए फजील भाई, देखिए असली मायने में विकास अगर चाहते थे, संविधान की बात करिए जनाब, एक विधान एक संविधान में 11 राज्य, असली मायने में आपके युवा वहां के गुमराह हो रहे थे, आप पत्थर उनके हाथ में थे, अपनी फौज को दुश्मन बना दिया, तब आपकी सोच वहां नहीं गई, आपने नहीं सोचा, वहां कभी नहीं सोचा आपने कि इनके युवा मंत्री को मार दिए, इनके युवा गुमराह होने, सीएम को मार दिया, सोच ही नहीं गई इनको, अपनी दिख रहा है परिवार को, पांच आदमी को मार दिया, ये लग रहा है कि आज महात्मा गांधी की आत्मा को जो है बड़ा दुख हो रहा होगा, दुख उनकी वजह से नहीं हो रहा होगा उनको, कि जो भ्रष्टाचार, हमारे प्रधानमंत्री ने क्या बात बोली, हमारे को नई एबीसीडी सिखा दी, ए फॉर आदर्श, बी फॉर बोफर, सी फॉर कोलगेट, ये नई एबीसीडी हमने सीख ली है उन्हीं के माध्यम से। देखिए, एक तरफ आप सरकार, आप जब कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, खासकर जिस तरह से मैं दोहराऊंगा उसी बात को, कम से कम गांधी जयंती के समय आप बख्श दीजिए, उन मुद्दों को ना उठाइए, राजनीति अपनी दूर रखिए, और सबसे बड़ी बात देशहित की बात करिए, अच्छा होगा। आज के दिन अगर सब लोग साथ शामिल होते, शरीक होते इस विशेष सत्र में जो 36 घंटे का था, तो बहुत अच्छा संदेश देते, और चूंकि वो ग्लोबल आपकी छवि को बढ़ाती आगे। ठीक है देवेंद्र जी, क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं कि विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, बहिष्कार किया इस सत्र का, जबकि
यहाँ पर आप लीग से हटके, पार्टी लाइन से हटके अपनी बातों को ऊपर उठा सकते थे, आपके पास एक अच्छा मौका था, बावजूद इसके आप सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। नेहा जी, मैं वही तो क्लियर करना चाहता हूँ कि 36 घंटे की जो बात बार विपिन भाई बता रहे हैं, 36 घंटे की माननीय मुख्यमंत्री जी चाह क्या रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी क्या चाह रहे थे? अगर ये लोग वास्तव में कुछ करना चाहते थे या कोई नीतियां इनको गलत लग रही, तो बहुत अच्छा आज इनके लिए मौका था, ये उस पर खड़े होकर उसका सामना करते और कमियां गिनाते। लेकिन अगर थोड़ी सा आप पीछे चले जाइए, प्रियंका ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने आज शुरुआत की है, मैं बधाई देता हूं उन्हें। लेकिन उन्होंने अगर गांधी जी की नीतियों की वजह से शुरुआत की है, तो हरियाणा में वाडराजी का एक बार जिक्र उठा लें, क्योंकि वहां चुनाव है। हरियाणा में वो दामाद बन गए, और जो हुड्डा जी आज उनके जो मुख्यमंत्री के जो दावेदार हैं, जब मिलकर उन दोनों ने हरियाणा को लूटा 10 साल में, तो उसका हिसाब मांग रही है हरियाणा की जनता। आज देखिए आप, हरियाणा का ब्रेकिंग न्यूज है कि वहां सोनिया गांधी के घर धरना चल रहा है, उसके घर पे प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। तो कम से कम आप यहाँ की बात कर रहे हैं, फजील भाई 5 आदमियों की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक कहीं प्रदेश का स्थिति उठाई है, 5 आदमियों की हत्या की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये सिख इस देश का हिस्सा नहीं थे? किसकी सरकार थी? क्या हुआ? क्या ये पंडित जो है, जो कश्मीरी पंडित है, 15 लाख पंडित जो आपने वहां से रात को 12 बजे वहां से कश्मीर में से निकाल दिए, जो पाकिस्तान में नहीं हुआ वो हिंदुस्तान में, गुजरात में, क्यों नहीं बोलते आप? कहां गई गांधी जी की नीतियां? अरे लोगों को कटवाने का काम जब आप लोग कर रहे थे तो आप चिल्ला रहे थे, आज देश की एकता और अखंडता और दुश्मन को काटने का काम बीजेपी करती है, देश का प्रधानमंत्री करता, तो आपको दर्द होता है? दुश्मन देश का मुसलमान है, दुश्मन है नहीं, बिल्कुल गलत कहते हैं भाई। मैं चाहूंगा मैं एक बात में, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुस्लिम सबसे दुख की बात है, प्रधानमंत्री ने किया, एक मुद्दे पर रहिए, आप उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। देखिए फसील भाई ने एक बात करी थी एनआरसी की, पहले मैं साफ करना चाहूंगा, मैं भूल गया दोस्तों मैं बात बोलना। देखिए एनआरसी का मुद्दा कुछ अलग मुद्दा है, पहली बात उसमें पहली ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि एंटी मुस्लिम या एंटी किसी माइनॉरिटीज, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो वो पाकिस्तान का इमरान खान बोलता है कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक महफूज नहीं है, वो अपने गिरफ्तार में झांके देखे कि पख्तून में क्या है, सिंध में क्या है, बलोच में क्या है, तो कल संदेश देंगे आप। एक सेकेंड, आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, एक सेकेंड रुक जाइए, आपसे अनुरोध करूंगी कि आप लोग प्लीज विषय पर रहिए, जिस विषय पर आज चर्चा हो रही है उस पर रहिए ना, एनआरसी पे तो आज हम बात नहीं कर रहे, गांधी के देश में एनआरसी कैसे हो सकती है? अरे गांधी के देश में क्यों एनआरसी होगी? गांधी ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम पर छड़ी कर रहे हैं, जब व्यक्ति फंसता तो अवैध तरीके से जो रह रहा है, बहुत कच्ची बात यहाँ किया मुस्लिम का नाम लेकर, मतलब ये नहीं है, मतलब ये है सर आप कह रहे हैं कि मुसलमान ही निकलेंगे, बाकी सब को रखेंगे, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, ये आज गांधी जयंती पर राजनीति करने की बात हो रही है और आप लोग यहाँ पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे, ये वाकई शर्मनाक है, वाकई शर्मनाक है। मुझे शर्म आती है कि जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों पर आप लोग चलने की बात करते हैं और उसी मुद्दे पे अगर हम बात करते हैं कि किस तरह से सियासत होती है, तो आप लोग यहाँ पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सवाल पे रहिए, विषय पर रहिए, और कम से कम आज के दिन लिहाज करिए कि आज जयंती है, 150वीं जयंती मना रहे हैं, सुबह राजघाट का रुख किया जाता है और इस तरह से चर्चा में आकर आप लोग राजनीति करते हैं, ये वाकई शर्मनाक है। फजील जी आपसे सवाल है मेरा, सपा की अगर मैं बात करूं, सपा ये कहती है कि जब तक हम देश और प्रदेश की खुशहाली नहीं ला सकते, जब तक हम बापू के सिद्धांतों पर नहीं चलेंगे। ये कौन से सिद्धांतों पर चलने की बात की जाती है? सिद्धांत तो गांधी जी के ये थे कि अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे, और जो अहिंसा के रास्ते पर वो चलते थे, वहां पर किसी सोए हुए इंसान तक को जगाना उनके लिए हिंसा था, तो वो ये काम भी नहीं करते थे। यहाँ पर तो राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि बेतुके बयानबाजी से लोग बाज नहीं आते हैं, तो ये किस तरह का अहिंसा की बात करते हैं? देखिए कहते हैं कि कहीं पे निशाना कहीं पे निगाहें, बापू अतिशयोक्ति हो चुके हैं देश के राजनीतिक दलों के लिए, कोई बापू के रास्ते पे नहीं चलता, सिर्फ बापू अपना एक बताते हैं सिंबल बस अपना, आज है कैसे हमारा परिवार आगे जाएगा, कैसे हम धन संपदा कमाएंगे, एक ऑर्गेनाइज बिजनेस की तरफ पॉलिटिक्स हो गई है, ये कोई झुटला नहीं सकता। और बापू की तस्वीर पार्लियामेंट में लगा देने से नहीं साबित कर सकते कि हम बापू के रास्ते पे चल रहे हैं। आज एक मुखिया से लेकर के और प्रधान सेवक तक जितने भी लोग हैं, भ्रष्टाचार में आप कह रहे
2G स्कैम हुआ, कहाँ हुआ 2G स्कैम? अदालत ने छोड़ दिया। कोलगेट हुआ, कहाँ हुआ कोल? सब छोड़ दिया। अरे सर, अरे सर, अरे सर, अरे सर, जेल आप ही नहीं बोल रहे? अरे आप ही बोले, अरे सर आप ही बोल रहे, हम नहीं बोले। आप ही की बात को कह रहे हैं, आप ही ने कहा कि घोटाला हो गया, ये हो गया। अरे सर, चिदम्बरम जेल में है, कल बाइडेन बरी हो जाएंगे। आप समझिए बात को, इस देश में सारे राजनीतिक दल भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं। सर मुद्दे पे रहिए ना सर, मुद्दा देखिए, मैं भारत की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान। आपने कहा, आपने मुद्दे पर, जब दूसरे प्रवक्ता बोल रहे हैं कि फलाना पार्टी और फलाना नेता चोर है, अरे भाई दूसरे को एक उंगली दिखाते हैं तो तीन उंगली आपकी तरफ इशारा करती है। आप सुनिए, ताबूत घोटाला हुआ इस देश के अंदर। देवेंद्र जी, सवाल आपसे है। देवेंद्र जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात की जाती है, उनके आदर्शों पर चलने की बात की जाती है। वो तो ये भी कहते थे कि अपना काम स्वयं करो, किसी दूसरे से काम नहीं करवाओ। वो तो ये भी कहते थे कि राजनीति में भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए। वो तो ये भी कहते थे कि जो सरकारी गाड़ी है, सरकारी बंगले हैं, सरकारी सुरक्षा है, ये भी आपको नहीं लेनी चाहिए अगर आप राजनीति में आए हैं। तो एक सेकेंड सर, मैं सवाल पूछूं ना, मुझे काम करने दीजिए अपना। अगर सरकारी जो बंगले हैं, सरकारी जो गाड़ियां हैं, जो सरकारी सुरक्षा है, ये सब आप मत लीजिए, क्योंकि आप राजनीति में आए हो तो जन सुरक्षा के लिए आए हो, जनता की सेवा करने के लिए आए हो। लेकिन क्या लगता है कि उनकी बातों का आज महत्व है? उनको समझा जाता है, उनके विचारों पर चला जाता है, और आप कहते हैं कि हम तो चलते हैं जी गांधी जी के विचारों पर। नेहा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने बताया। देखिए, मैं दो एक ही मिनट में सारी चीज क्लियर कर दूंगा, क्योंकि समय कम है डिबेट के बाद। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप 70 साल का रिकॉर्ड पूरा उठाकर सिर्फ 5 साल में देख लीजिए, जो कांग्रेस ने 70 साल में इस देश की हालत की कि एक नेता के लिए जो क्रिमिनल था, जिसके रिकॉर्ड्स खराब थे, उसको वाई और जेड प्लस सुरक्षा देने का काम किया। उसे अगर वो लाल बत्ती का जो क्रेज, जो एक जो दो पैसे का दो टके का नेता रोड पे लगा के सारे में पूरे रोड को जाम करता था, उसको खत्म करने का काम 5 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और जिसकी ये बात उठाते हैं बार बार, कौन सी चीज अपनानी है, उसे अपनाने का काम 2014 से शुरू हुआ। सिर्फ 70 साल में इन्हें सिर्फ आज गांधी जी याद आ रहे हैं, जब इनकी हालत जीरो पे आ गई है। अगर ये थोड़ा सा इनमें दम होता, पहले शुरू होते तो शायद बचते। अरे सर, आप उठा रहे महात्मा गांधी को आप आज मान रहे हैं। देखिए, आज वीआईपी कल्चर, आज वीआईपी कल्चर, वीआईपी पहले आप महात्मा गांधी को नहीं मानते थे। बीजेपी को ही छोड़ दीजिए, महात्मा गांधी के आपको शर्म आनी चाहिए कि 70 साल में आप लोग महात्मा गांधी के हत्यारे नहीं पकड़े। कुछ जगह नहीं है, अरे आपके पास सरकार थी, आपके पास सरकार थी, आपके पास हत्यारे को नहीं पकड़ सके तो आप भूख के मर जाओ और गांधी का नाम लेना बंद कर दो। शर्म आनी चाहिए। मैं फिर आपको चैलेंज करता हूँ कि 70 साल में एक हत्यारा नहीं पकड़ सके और क्या कर सकते हो तुम? ठीक है विपिन जी, एक सवाल ये है कि क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं तब तब गांधी जी के नाम पर सियासी वोट हासिल करने की कोशिश की जाती है, सियासी राजनीतिक पार्टियां वोट बटोरने का काम करती है। क्या ये शर्मनाक नहीं है, देश की विडंबना नहीं है कि अगर सरकार है तो वो अपने काम के बलबूते जाए? ये महात्मा गांधी के नाम पर वोट बटोरने का काम कब तक राजनीतिक पार्टियां करती रहेगी, और ये कितना शर्मनाक है? देखिए, शर्मनाक तो बिल्कुल है, और इसी तहत आप देखें कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, जिनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है, किसी आप पूरे विश्व में उनका नाम है, और उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली आज। उन्होंने बोला कि हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं और स्वच्छ भारत के साथ स्वस्थ भारत, स्वास्थ्य एक बिल्कुल जहां पर एक हेल्दी इंडिया, तो उसी तरह से इस तरह की बातें हैं। अगर ये जो आइकॉन्स हैं या ऐसे राजनेता जिनको पूरे देश में जाना जाता है, जिनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, तो वो अगर ऐसे संदेश दें और मिलकर, खासकर गांधी जयंती और 15 अगस्त या 26 जनवरी को एक कंधे से कंधा मिलाकर चलें, और तो बड़ा अच्छा संदेश जाता है दुनिया को। आप वर्ल्ड सिटीजनरी को एक ऐसा बताते हैं कि हिंदुस्तान वाकई में जो है वो दिन दूर नहीं कि जब हम लोग एक नया भारत बना लेंगे, जो सपना हमने देखा है और हम उसको मिलकर पूरा करेंगे, और हमारा देश वो दिन दूर नहीं कि जब एक सुपर पावर कहलाएगा। और इसी तरह से अगर उसके लिए देखिए, सबका साथ सबकी जरूरत है,
प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया पहले जब कार्यभार जब चुनाव जीत के आए 2014 में, उन्होंने बोला सबका साथ सबका विकास। फिर 2019 में उन्होंने एक इजाफा करा इसमें, बोला सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो जब विश्वास की बात करते हैं, देखिए मैं दोनों से आग्रह करूंगा और कम से कम मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं आज के दिन इसको जो है ये मुद्दा कोई ऐसा बहस का नहीं है, हम तो सिर्फ एक आज याद कर रहे हैं महात्मा गांधी को, उनके आदर्शों को बात कर रहे हैं और उसमें एक तरह से संकल्प ले रहे हैं सारे कि हमने जो कमी पेशी रह गई है उसको पूरा करें और अपनी जिंदगी में उतारें उन आदर्शों को, उनकी जो बातें थे प्रिंसिपल्स थे, ताकि हम आगे देश हित की बात कर सकें। उसी तरह से देखिए एक एक जरूरी बात यह है कि जब हम नथुराम की बात करते हैं जो हत्यारे थे महात्मा गांधी के, तो आप वैसे तो हर मुद्दे पे प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया चाहिए। प्रधानमंत्री ने देखिए किस तरह से फटकार लगाई थी जब साध्वी प्रज्ञा ने बात करी थी कुछ, और उनको बिल्कुल बोल दिया था कि ये मैं इसको जिंदगी भर कभी माफ नहीं करूंगा। तो आप अगर प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया लें तो प्रधानमंत्री आपके जो देश के जो सबके हैं, जिस तरह से आप महात्मा गांधी के बारे में बोलते हैं कि वो सीमित हैं किसी एक पार्टी के हैं, ऐसा तो नहीं है। उसी तरह से प्रधानमंत्री कुछ, ये भी देश की विडंबना है नेहा जी, कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, हम नहीं मानते, ये भी शर्म की बात है। प्रधानमंत्री तो सबके 130 देशवासियों के, उसी अरे बोले फजील भाई आप बीच में बोल रहे हैं। आप देखिए आपको पता नहीं क्यों खराब लग रहा है, जहां कुछ बात होती है आप एक तरफ मन मना के लाए। दूसरी बात देखिए ऐसा होता है कि जब प्रधानमंत्री ने तो अपना रुख साफ कर दिया, वो तो कहीं भी उन्होंने जब बात करी क्या, देखिए उन्होंने जब मदरसों की बात करी, उन्होंने हाईटेक करने की बात करी, अच्छी बात बोली, बोले एक हाथ में कुरान शरीफ एक हाथ में कंप्यूटर, तो अच्छी बात है, आधुनिकीकरण होना चाहिए हर चीज में, आप सबको मेन स्ट्रीम में अगर लाएं तो कहां इसमें कोई आपत्ति नहीं। आजम खान को उसमें भी आपत्ति नजर आई थी। उसी तरह से अगर आप सबको साथ बढ़ाना चाहते हैं और खासकर ये विशेष सत्र की अगर हम बात करें 36 घंटे वाला, तो उसमें बड़े अहम मुद्दे उठाने थे और उसमें विपक्ष की भूमिका बहुत अहम होती और वो साथ में उनके लिए बहुत अच्छा होता, क्योंकि वो विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभाना चाहता, यही वजह है कि वॉकआउट किया गया। लेकिन सवाल फजील जी आपसे है, क्योंकि सोनिया गांधी कह रही है कि नेहरू, इंदिरा, राजीव, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के वक्त में देश ने तरक्की के नाम पर आगे ले जाने का काम किया है और देश आगे बढ़ा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ सालों में जो हालत है देश की वो बेहद खराब हो गई है, उसे देखकर गांधी की आत्मा भी काफी दुखी होती होगी। उस पर पलटवार भी आ गया है, राकेश सिन्हा जो कि राज्यसभा के सांसद है बीजेपी से, उनका कहना है कि गांधी होते तो आज RSS में होते। अब ये बताइए कि इस तरह के बयानों को किस तरह से लिया जाए, क्या आज का वक्त, क्या ये सही वक्त है इस तरह के बयानबाजी करने का? देखिए वो एक राष्ट्राध्यक्ष हैं अपनी पार्टी की, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको तो अधिकार है इन बातों को उठाने का, राजनीति करने का गांधी के नाम। राजनीति भी कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती, वो एक अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी की और बापू के सिद्धांतों पे इतने साल चल रहे हैं और आज भी चल रहे हैं, उनकी विचारधारा उनके खून खून में बसा हुआ है और वो कर सकती हैं। लेकिन जो लोग कह रहे हैं, जो उनका जवाब दिया, आखिर ऐसे कौन कौन से काम जिन लोगों ने सुन लीजिए, जो वो अपना अपना चश्मा होता है, यदि आप भावनाओं से परिपूर्ण है, सुन लीजिए, यदि आप भावनाओं से केसरिया भावनाओं से परिपूर्ण है, तो आप जो गांधी के हत्यारे हैं, देखिए जो गांधी के हत्यारे हैं, ये तो सबसे खूबसूरती की बात है कि गांधी के सर, अरे हम कहां नफरत कर रहे हैं सर, ये यही तो नफरत है, बोले क्या आपको इस नफरत को, आप क्या बोले सर, बार बार बोले केसरिया, हम क्या बोला, बोले क्या केसरिया है तो क्या हमारा भी है ना केसरिया, आप सुन लीजिए, कल अगर कांग्रेस से आप MP बन जाएंगे तो आप सोनिया गांधी की तारीफ करेंगे, शिकायत करेंगे, बोलिए हमको देवेंद्र प्रमुख जी, नहीं देखिए आप कल सोनिया गांधी ने आपको टिकट दे दिया और सोनिया गांधी अगर आपको आप MP बन गए तो आप लोकसभा में, अरे सर मुद्दा इससे देखिए नया जी, मुद्दे को समझिए बात को, मुद्दा बिल्कुल सही है। सोनिया गांधी के जवाब में जिन आदमी ने वो ऊंचा कहते हैं कि छोटा मुंह बड़ी बात, जिन्होंने ये बात कही है कि RSS में होते जब जिंदगी में RSS के साथ नहीं गए वो कभी भी, यही बात इसीलिए हत्या हुई उनकी, RSS की वजह से हत्या हुई। और क्या कहा, देश का टुकड़ा किसने किया, महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारी लाश पर बंटवारा होगा देश का, आज वो एक छोटा सा आदमी सोनिया गांधी का जवाब दे रहा है कि वो RSS में होते हैं। अरे तुम जाकर के RSS में गिर जाओगे, दुनिया गिर जाएगी क्या, तुम्हारी अपनी विचारधारा कुछ हो सकती है, हम बिल्कुल अपनी विचारधारा सर जो वहां पूज रहे हैं, जो संघी सोच, आप जनसंघ की आप इतिहास में जाइए, भाजपा से पहले जनसंघ था, देश को बंटवारा करने में जितना रोल, सुन लीजिए, जितना रोल देश का बंटवारा करने में उस समय जनसंघ का पूरा हाथ था, भारत में नफरत
का माहौल बनाया था संसद ने, भारत में नफरत का गुंडा, आप जिस तरह दंगे कराए 1947 में, देश की सारी शक्तियां उनके हाथ में थी उस समय, सर शक्तियां जाने का काम किया है, जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश को बांटा और जनसंघ ने उनका साथ दिया। आप डिबेट ना घुमाएं, संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा। सच्चे मायने में अगर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देनी है तो हर एक देशवासी को एक संकल्प लेना पड़ेगा कि हम देश को विकास के उस गति पे ले जाएं, और विकास ताकि जो विकास की बात करें और बाकी जो हमारे मुद्दे हैं, देखिए जो आपस के हर जगह परिवार में भी लोग रहते हैं, साथ में चार जने परिवार जन रहते हैं तो आपस में डिफरेंसेस हो सकते हैं, उसी तरह से पूरा देश है देखिए हो सकते हैं, सारी चीजों को पीछे रखकर आप देश हित की बात करें, विकास की बात करें, और खासकर इस समय अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें जो यूनाइटेड नेशंस के 17 जो उन्होंने चिन्हित कर रखे हैं, तो ये देश हित के लिए, देश के लिए बहुत बहुत बड़ी बात होगी। इसकी बहुत अहमियत है कि आप भूख के साथ एक तरह से जीरो पॉवर्टी और क्वालिटी एजुकेशन, और आप किस तरह से इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करें, कैसे एनर्जी को दें, क्लाइमेट चेंज के लिए क्या एक्शन कर सकते हैं आप, उसी तरह से अगर ऐसी बातें करें आप, और इस तरह से आप चरम सीमा पर ले जा सकते हैं आप विकास की गति को, बिल्कुल, तो ये देश हित की बात होगी। बिल्कुल देश हित की बात होगी, और देश हित के लिए ही तमाम राजनीतिक पार्टियों को आगे भी आना चाहिए, और सरकार अगर सही फैसले लेती है तो जाहिर तौर पर उसका सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये गांधी जयंती का मौका है और इसमें कृपया राजनीति ना करिए, सभी राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी सभी गेस्ट का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।